हेलो, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। कैसे हो सब? और ये देखिए, मेरी करी पकोड़े वाली तैयार हो चुकी है। लगभग थोड़ी सी टाइम लगेगा, अभी 10-15 मिनट। मैंने दिखा देती हूँ आप लोगों को। और आज मैं कुछ आप लोगों को बनाना फिर से बताऊँगी, नई चीज़। तो बताओ कैसे हो आप लोग? ऐसे तो नहीं बता सकते हो कैसे हो आप लोग। तो घर का बाहर का काम हो गया, बारिश वारिश हो गई, थोड़ी सी कीचड़ हो गई थी। आज सुबह सुबह उठ के कपड़े भी मैंने धुल दी, कल वाली थी, मतलब कल नहीं धुली थी मैंने, तो कपड़े धुल गया हमारा। और कढ़ी बन चुकी है, उसको स्वप्निल को दे दूंगी मैगी बना करके, क्योंकि नाश्ता कुछ भी नहीं बनाना है। मैगी दे दूंगी, थोड़ी सी दूध दे दूंगी, और अभी झाड़ू पोछा बाक है इधर का, बिस्तर वस्तर। स्वप्निल कैसे करता है बोलूंगी नहीं मैं, आप देखना। और ये देखिए, लाइट जला स्वप्निल थोड़ा। ये सेट टॉप बॉक्स जो कल ले गई थी ठीक करवाने, नहीं ठीक हुआ। अब ये टुंगा सा छोटा सा दिया है, इसमें भी ठीक से नहीं हो रहा है। कल इसने दिया है 700 रुपये का, ये भी ठीक नहीं हो रहा है। अब इसको देख लो, अभी फिर से फ़ोन की थी मैं एयरटेल वाले को, तो देखो क्या करता है। पिक्चर फिर से नहीं आ रही, पिक्चर में वही प्रॉब्लम हो रही है। और इधर ये देखिए, सोफा पे कितना गंदा पड़ा है। अभी स्वप्निल सब तय लगा लेगा धीरे धीरे मेरा। तो और कुछ भी काम नहीं हुआ, बस झाड़ू पोछा करूँगी। बर्तन धुल गए सारे, देखिए सिंक पूरा हमारा खाली है। बर्तन मैंने धुल दी हूँ सब, इधर भी सेट कर दी हूँ, तो काम हो चुका है वैसे थोड़ा बहुत। और एक चीज़ जो मैं बता रही थी आप लोगों को, वो मैं अभी बना के और बताऊंगी। थोड़ा सी इसको उबलने देती हूँ, गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि गाढ़ी होने में टाइम लग जाए, मतलब करी बनाने में टाइम लगता है थोड़ा। आप इतने जल्दी चाहोगे वो जल्दी नहीं बन पाती है, क्योंकि ये एक बार तो गाढ़ी होती है, फिर जब आप इसको मतलब इसमें डालते हो तो खूब गाढ़ी हो जाती है, फिर अपने आप धीरे धीरे उबलती है तो पतली हो जाती है। तो बस अब इसमें मैंने 1 चम्मच घी भी ऊपर से डाल दी हूँ, धनिया पत्ता वगैरह। और ये देखिए आप लोग, जो मैं बता रही थी इतने देर से, ये किस किस के घर में होंगे? लगभग सबके घर में ये साबुन की, जो ये कपड़े धोने वाले या तो मतलब लगाने वाले शरीर में, तो ये टुकड़े टुकड़े जो बच जाते हैं उसको तो हम ऐसे ही फेंक देते, किसी काम का नहीं होता है। तो ये देखिए, तरह तरह के साबुन इसमें मिलेंगे आपको, चंदन वाला, नीम वाला, एलोवेरा वाला, हर गुलाब वाला, तो सारे ये है। तो इसको मैं एक बार क्या करती हूँ, गर्म पानी उबाल करके और इसमें डाल के रख दूँगी थोड़ी देर, मतलब एक कितने देर, मतलब आधा घंटा इसको फूलने के लिए दे दूंगी। और क्या क्या करूँगी वो मैं सारे आपको वीडियो में इसलिए ये टुकड़ा टुकड़ा पहले मैंने दिखा दी हूँ आपको, आप कैसे इस टुकड़े को यूज कर सकते हो। मैं तो कर ही हूँ कई बार, मतलब यूज की हूँ इसको, तो इसीलिए मैंने कहीं आप लोगों को भी दिखाती हूँ ये कैसे हम यूज करेंगे। तो ये देखिए, इसको गर्म पानी डाल करके मैं एक बार इसको डाल देती हूँ। ये हमारा पानी उबल रहा है, मैंने थोड़ा सा ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डालना पानी इसमें, क्योंकि जितना हमें चाहिए, क्योंकि बस फूलना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं करना है। एक बार अच्छे से उबल जाइए, लगभग देखिए उबल चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ आपके सामने ही, अब मैं इसमें इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हमारा जो ये पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से ये सूख चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा सूख गया, देखिए सूखा हुआ था, अभी धीरे धीरे निकल रहा है। जो भी आपके पास हो, कपड़े वाला साबुन हो, शरीर में लगाने वाला हो, और अगर आपके पास शैम्पू हो तो ठीक है, नहीं तो 2 पाउच हमें 1-1 रुपये वाला या 2 रुपये जो भी आपके पास हो, ये एक बार मैं डालकर इसमें छोड़ देती हूँ, अपने आप ये फूल जाएगा, बताए आधे घंटे में फूल जाएगा अच्छी तरह। फिर हम क्या करना है इसको, और अगर आपके पास गुलाब जल हो तो गुलाब जल का भी यूज है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो शैम्पू का अगर आपके पास पाउच हो तो पाउच डाल सकते हो, नहीं तो जो यूज करते हो आप शैम्पू वो डाल सकते हो। एक बार ब्लॉग में पूरे बने रहना, कैसे मैं क्या बनाऊँगी तो पूरे देखना आप लोग। ये हमारी पकोड़े वाली करी तैयार हो चुकी है, और इसके साथ तीखी वाली मिर्ची मैं थोड़ी सी बेसन लगा के फ्राई कर दी हूँ। और अब जा रही हूँ, ये देखिए मैगी भी मैंने बना ली। अब मैं स्वप्निल को मैगी दे देती हूँ। स्वप्निल ये ले लो, खाओ गरम गरम, पेट को फुलाओ। दे दिया मैगी, तो अब मैं इसको देती हूँ ढक पकोड़े को। चावल बना लेंगे पकौड़े के साथ, करी चावल। अब सिमरन आएगी तब देखना इसको कितने खाने का शौक़ है, अलग अलग प्रकार की खाना चाहिए।
तो अब मैं ये देखिए सिंक में दिखाई थी खाली, अब हो गया है 2-3 बर्तन, फटाफट धो लेती हूँ और आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना। और ये देखिए ना सिंक हमारा टूट गया है, कोई नहीं, जो चल रहा है चल रहा है, जो है टेढ़ा है पर मेरा है, वही वाली बात है, टूटा है फूटा है जो भी है, यही है हमारा स्वर्ग से सुंदर किचन जिसमें तरह तरह की मैं खाना बनाती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ खाना बनाने वाली, तो जो भी है अच्छी है। ये देखिए जैसे, और ये परमानेंट हमारा वो कचरा उसमें रखा जाता है, ये धीरे 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 घटता जाता है, और शाम को हो या सुबह को, यहाँ पे पता है ये ना ड्रॉर लगी हुई थी, देखिए ये है, तो एक बार दिखाती हूँ मैं, इसमें हमारा ये देखिए, नहीं दिखेगा, ये एक्स्ट्रा जो भी सामान लेके आती हूँ, ये देखिए, और नीचे भी ये ऐसे गंदा लग रहा है, ये गंदा है नहीं लाइट के चक्कर से, और ये देखिए जो भी सामान वगैरह लेके आते हैं, बीच में सिलेंडर रखने वाला, और इस ये भी है, इसमें भी डब्बा हुआ सब है, क्या मैं दिखाऊंगी आपको, बर्तन वगैरह ये ना पीछे ये सब रखती हूँ ना, तो इसको मैं ढक देती हूँ ऐसे, पर्दा लगा दी इसमें कि दिखे ना बाहर से। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, अभी मैं बताऊंगी वो साबुन वाली क्या है। ये देखिए गर्म पानी करके यहीं डाल दी थी ना, छोड़ रखी हूँ, फूल रहा है आराम से, तो ये देखिए अच्छी तरह फूल चुका है, मेरे टाइम लग गया थोड़ा ज़्यादा, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले ये देखिए ये हमें इस जार में डालना है, ऐसे करके सब आप डाल लो जार में, क्योंकि ये जो पतली सी लिक्विड है इसको नहीं डालनी है, एक बार डाल लेती हूँ मैं, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो ये देखिए मैंने एक बार जार में डाल दी हूँ इसको, अब मैं इसको आपके सामने ही पीस रही हूँ, क्योंकि वो फूल चुका है, तो जो भी होगा एक बार अच्छे से पीस लेते हैं। कैसा पीसा, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे पीस गया है, और थोड़ा थोड़ा जो लगभग पीस चुका है, ये देखिए कैसी इसकी लिक्विड तैयार हुई है, और जो भी होगा अभी हम छानेंगे फिर पता चल जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं पीस पाएगा, क्योंकि हमारा साबुन जो है ना ज़्यादा लंबा टाइम तक मैंने धूप में डाल दी थी, इसलिए ये देखिए वो दिख रहा है ऐसे बन गया है। अब करते हैं हम आगे, ये मैंने खाली, ये देखिए आपके सामने ये खाली पड़ी है हैंड वॉश के डब्बे, और वो जो मैंने भिगोई थी उसको पीसने के बाद ये देखिए ये भर गया है, और इसमें क्या करना है हमें थोड़ा सा, तो मतलब ये होता है आपको, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, परेशानी कुछ भी नहीं है थोड़ा काम करने के लिए। और ये देखिए जैसे ये कोई भी छन्नी हो ना आपके पास, जो यूज कर रहे हो वो नहीं, जो एक्स्ट्रा हो जो आपको टूट फूट गया, क्योंकि थोड़ा मोटा दाना, क्योंकि हैंड वॉश में से निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो इसको इसमें ऐसे ऐसे ठोकेंगे धीरे धीरे, देखिए अपने आप ही निकलता जा रहा है, देखिए ऐसे ऐसे करके एक बार सारे में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये साबुन फूलने के बाद गाढ़ी हो जाती है। अगर आपके पास मोटी वाली छन्नी हो तो और जल्दी बन जाएगी, निकल जाएगी, मेरे पास मोटी नहीं है, पतली एक्स्ट्रा में पड़ी हुई थी, तो ये देखिए कोई कोई साबुन नहीं गला है अच्छे से, तो वो हमारा छन्नी के जरिए ऊपर रह जाएगा और हमारी लिक्विड नीचे आ जाएगी। ये देखिए ये मोटे वाले सारे ऊपर रह गई हमारी, और ये छन के नीचे निकल रही है, तो एक बार पूरा मैं छान लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी हूँ, और मैंने थोड़ी सी जितने एक पाउच में शैम्पू डाला जाता है इतना ही मैंने इसमें मिक्स कर दी थी, इसमें तो इसमें मिक्स किया हुआ मैं इसमें डाल दी, और जो भी गुठली वाली थी ये देखिए छन्नी में छानने से यही फायदा होता है, ये मैंने निकाल के रख दी हूँ, और एक बार सारे इसको धीरे धीरे हम डाल रहे हैं, कि थोड़ा गाढ़ा है हमारा लिक्विड इसलिए हमें डब्बे में डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो एक बार अच्छे से हम डाल देते हैं सारा, फिर आपको दिखाएंगे।
ये देखिए, ये मैंने एक इसमें भर दी हूँ पूरे, ये हमारा 250 ग्राम का है, ये पूरा भर चुका है देखिए। और ये इसमें रखे, इसमें 250 ग्राम और है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, दो बहुत सिंपल मात्रा में जितना डालते हैं इतने डाली हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको, आपको लगेगा कि कैसा हैंड वॉश बना, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये कैमरा सेट से ऊपर हो रहा है, एक मिनट। देखिए आप लोग, ये आपका हैंड वॉश है, और ये देखिए मैं जितना लेते हो आप हैंड वॉश इतना ही लिए हैं, और इसको आपको मैं दिखा रही हूँ वो करके भी इसमें हो रहा है कि नहीं। ये देखिए आपके सामने ही है, ये बन गया। और खुशबू भी इसमें तरह तरह की आ रही, क्योंकि हमने शैम्पू भी डाल दिया। अगर आपको लिक्विड पतला करना है, ये देखिए क्या हैंड वॉश से कुछ भी कम नहीं है। तो जाइए और आप लोग भी, एक बार मैं धो लेती हूँ हाथ, और देखिए आप छोटे छोटे, एक बार आवाज़ आ रही है, छोटे छोटे जो साबुन यूज का नहीं था हमारा, उस साबुन से हमने करीब 500 ग्राम लिक्विड ये बनाया है हैंड वॉश। तो आप लोगों को अगर हैंड वॉश वाली ये वीडियो अच्छी लगी, देखिए पूरा रायता हमारा फैला हुआ है। अब ये देखिए एक चीज़ में दिखा रही है, ये है ना, ये जो बॉडी लोशन लाते हैं ना उसका है, तो इसमें भी ये ऐसे ही करने वाला होता है। तो और जो बचा हुआ है मैं इसको ना फेंक के मैं ऐसे चीज़ रखती हूँ, तो आप लोग भी रखिए, बहुत काम आने, इसमें छोटी साइज भी आती बड़ी, तो इसमें ये स्प्रे करने वाला ऐसा है, तो हमारा यूज हो जाएगा। जो बचा हुआ है ये सब, तो सब मैं उसमें भर दूंगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो हैंड वॉश वाली, तो आप लोग कमेंट करके बताना, कमेंट तो करते नहीं आप लोग और बताते नहीं हो। तो अगर आपको ये हैंड वॉश वाली वीडियो पसंद आती है तो एक रुपये नहीं खर्च होगा आपका, आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, वो करो। और जो भी मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी छन्नी आप यूज करना, वो जो यूज का ना हो आपके घर में उसको यूज करना है। और अगर आपके पास हो गुलाब जल तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा, शैम्पू बस ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।